हजरत सैदन शाह शिराजी ने बुजुर्ग शिराज ईरान सु दिल्ली विच आए, जिस लमायों शेर शाह सूरी को शिकस्त खा दी तो ईरान चला गया। ईरान ने बादशाह तैमासब ने इन्हें की तख्त व ताज वापस दिलाने वास्ते फौज दी। इस ईरानी फौज ने भी सैयद शेर अली शिराजी एक आले अहदे पर से, जिस 1555 विच दिल्ली फतह हुई तो हुमायूं ने शेर शाह साहब की अपने मुकरबीन में शामिल करी किया। आपने दिल्ली में वफात पाई और आपका मजार जड़ा और तिरकमान दरवाजा दिल्ली ने करीब है। शेर अली साहब ने दो फरसान सैयद जलाल और सैयद शमस से, हुमायूं ने सैयद शमस साहब की खुशाब ने भी जागीर अता की थी और अपने हरमनी शहजादी सैन सुल्तानी नाल शादी करी दी। आपने इत्थे इंतकाल किया। आपना मजार शाहपुर सदर विच। आपने पांच बच्चे से, सबसे छोटे बच्चे ना शाह मोहम्मद साहब। शाह मोहम्मद साहब बड़े मुतकी और परहेजगार से और अल्लाह ने वली से। इन्होंने इंतकाल भी शाहपुर विच होया और इन्हें की भी उत्थे ही दफन किया गया। इन्होंने गए चार पुत्र से, जिन्होंने पीरू शाह साहब वली अल्लाह से। ये जड़े वे शाहपुर सुजद करी तै नाला मुगला आ गए। आपने वसाल तो बाद आपकी नाला मुगला निजत पीर पलाई दफन किया गया। आपनी औलाद ने बिचू सैदन शाह साहब से, जेडे दुनिया वलायत ने विच सखी सैदन शाह शिराजी ने नाम नाल मशहूर है। आप हुसैनी सैयद से। आपना शजरा नसब त्रिया वास्तिया सु होना होया हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अनु नाल गछी मिलना। आप 1692 विच पैदा हुए। आपने तमाम तालीम अपने वालिद साहब को हासिल की। आप कादरिया और चिश्तिया सिलसिले का तलक रखने से, अपने बुजुर्गों से रूहानी तालीम हासिल करने से बाद इन्होंने बड़ी जबरदस्त रियाजत की। आप कलंदर जलाली के सिलसिले का तलक रखने से, आपने कलंदरी फकीर बनी तय मशरकी तनीने गांव विच फिरना शुरू कर दिता। आपकी कलंदरी फकीर ने सनत डोक बोधा और कादू ने मकाम पर सख्त रियाजत और चिल्लाकश सुबाद हासिल हुई। डोक बोधा ने भी जिथे आपने रद्द की अज भी चबूतरा बनया होया। डोक बोधा शाहपुर सईदा जिथे ने बरी शाह लतीफ और शाह चंद चिराग से उसे भी शामिल आ। आप मशकी चनी सू जंडाले आए। जंडाला बड़ा पथीला बंजर खुश्क इलाका सा। आपने अल्लाह की बारगाह दवा की थी, उत्थे पानी ने चश्मा फूटी पिया। इस चश्मे की बदौलत जंडाल का ना चौहा सैदन शाह पै गया। आपने तकरीबन 71 साल उम्र पाई। आपने जिंदगी भर शादी ना की थी। उन्होंने बाकी सारी जिंदगी इत्थे ही गुजारी और इत्थे ही आपना 1763 विच इंतकाल होया। हर साल चेतरी पहली जुमरात की आपना उर्स बड़ी धूमधाम नाल मनाया गशना। पठवार ने विच त्रै मजारात ऐसे जिथे उस या मेले दौरान तोहफा नाच गाना करनी आनियां सियां। इन्हां तिना मजारात यानी बरी शाह लतीफ, शाह चंद चिराग और सैदन शाह साहब ना तलक सैदपुर सईदा सू है। ये तीनों हजरात खुद तै नाच गाने के शौकीन नहीं से, मगर अकीदतमंदा ने इन्होंने उर्सा या मेलिया की ए रंग दिता। इस रस्में बद की तकरीबन हूँ खत्म कर दिता गया। सैयद सैदन शाह और दीगर दो वलिया ने मुतलक सिलसिला अवैसिया कमालिया ने बानी हजरत बाग हुसैन कमाल ने अपनी किताब आले सफर आज फरिश्ता अर्श विच बहुत कुछ लिखा। मजकूरा त्या हजरात की अलूम कुरानी और सुनते नबी सुवालाना लगाओ सा। आप इन लोगों नाल सारी जिंदगी बड़ी मेहनत की, उन्हें गिरा रास्त परांदा और उन्हें की दीन इस्लाम रूशनास कराया। सैदन शाह साहब और अपनी जहनी और जिसमानी तवानाइया दीन इस्लाम की तालीम और तरक्की वास्ते वक्फ की हुई सी। सैयद सैदन शाह साहब ने जिथे डेरे लाए उत्थे कुफरिस्तान ना मरकज राज कटास सा। आपने इस खिता ने विच बढ़ने हुए कुफर की रोकया। आपने अपने अखलाक और करामत नाल बेशुमार गैर मुसलमान की मुसलमान बनाया। आपने ज्यादा वक्त
नफ्स खुशी और मजाहदे च गुजारिया। आपने अकीदतमंदा ने विच मुसलमानों तो अलावा हिंदू और सिख भी से। आपनी करामात के मुतलक मोहम्मद काफ शरीफ ने अपनी किताब हजरत सखी सैदन शाह शिराजी विच बहुत कुछ लिखिया। उन्होंने पढ़ी तय यह साबित होना कि हजरत सैदन शाह शिराजी अपने जमाने ने बहुत बड़े कलंदर से।